आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये नोट कर लेना आप लोग। जैसे हमें पेपर मिलता है किलो मीटर या किलोग्राम या मीटर, तो यहां पर जो किलो होगा इसका सिंबल, जैसे सिंबल जो होगा वो के हो गया, तो वो अपने साथ लगाएगा 10^3। क्या मतलब हो गया, क्या एग्जांपल हो गया कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10^3 ग्राम। क्लियर? नाउ मेगा, अगेन सेम सिंबल में आइए, कैपिटल एम, इसके साथ लगेगा 10^6। अभी स्मॉलर आ गए, स्मॉलर में आएंगे डेसी, स्मॉल डी, सो दैट इज इक्वल टू 10^-1। एग्जाम्पल, 1 decimeter इज इक्वल टू 10^-1 meter। सेंटी सी, 10^-2 मिली, स्मॉल एम, सिंबल ही बदलना, देखो स्मॉल एम लगाएंगे तो बन जाएगा 10^-3, लेकिन कैपिटल एम लगाएंगे तो 10^6 जाएगा, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही देखिए वैल्यू, आपको स्मॉल एम भी देख सकते हैं, कैपिटल एम भी देख सकते हैं, तो आपको देखना है। माइक्रो, ये सिंबल है म्यू, दैट इज 10^-6। नैनो, स्मॉल एन है, दैट इज 10^-9। एंगस्ट्रॉम, सिंबल कैपिटल ए के ऊपर कुछ ऐसा बना लेते हैं डिग्री की तरह, वैल्यू 10^-10। पीको, पीको सिंबल स्मॉल पी, दिस इज 10^-12। कई बार पीको को क्या लिख देते हैं, माइक्रो माइक्रो भी लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो 1 micro इज 10^-6 और सेकंड वाला भी हो जाएगा 10^-6। ठीक है, इसको लिख रहा हूं, अभी इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड कर दो तो 10^-12 बन जाता है, इसलिए कई बार पीको को ये भी लिख देते हैं। फ्रंटो, स्मॉल एफ, 10^-15। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स जिसमें से फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सिंबल इज ए यू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज होगा। तो क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि ये डिस्टेंस है 1 AU, 1 astronomical unit, विद इट्स वैल्यू 1.5 × 10^11 meter। अब हम इसको एक मान लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट, अगर हमें किसी और प्लेनेट का डिस्टेंस निकालना है जो कि से बहुत दूर है, अब हम उसको मीटर में नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि अब वो है 5 AU या 10 AU या whatever। तो अब हम लोग और प्लैनेट्स का, स्टार्स का डिस्टेंस निकालने के लिए एक फिक्स यूनिट का यूज करेंगे जो रहेगा AU। क्लियर? सेकंड देखते हैं, सेकंड है लाइट ईयर, सिंबल LY। तो क्या होता है लाइट ईयर, लाइट ईयर में जो लाइट होती है वो एक डिस्टेंस करती है ट्रेवल, अच्छा कब तक, 1 year तक। क्या मतलब कि कहीं से कोई लाइट निकले और वो लाइट चलती रहे, अच्छा कब तक चलती रहे, जब तक 1 year ना हो जाए, तो 1 साल तक लाइट चलती रहे। जितनी दूर वो लाइट पहुंचेगी, जितनी दूर वो लाइट पहुंचेगी
जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? वी विल यूज अ फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक हमको फाइंड करना है डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में? दिस इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा टाइम कितना बोला हुआ है? 1 ईयर का, 1 ईयर। अभी देखो ऐसा होता है कि हमको यूनिट्स को करना होता है सेम, तो यहां पर है सेकेंड, यहां पर है ईयर, तो अब हम लोग इस ईयर को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। 3×10⁸ मीटर, इसको लिख लेते हैं अपॉन में सेकेंड को, ईयर को लेके जाना है सेकेंड में। तो पहले तो ये देखो कि 1 ईयर में कितने डेज होंगे, सो 1 ईयर में हो गए 365 डेज, फिर 1 डे में हो गए 24 आवर, 1 आवर में हो गए 60 मिनट, और 1 मिनट में हो गए 60 सेकेंड। तो यहां से वी कैन कैंसिल दैट एस विद दैट एस, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गए, ताकि हमारे पास जो यूनिट है वो सिर्फ मीटर है। जब आप इन सबको सोल्व करोगे देन यू विल गेट 9.46×10⁵ मीटर। क्लियर? थर्ड वन इज पारसेक। पारसेक दैट स्टैंड फॉर पैरालेक्टिक सेकंड। इसे समझने से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। देखिए मान लीजिए कि कोई हाइट है और हम इससे इतना दूर खड़े हुए हैं, और मान लीजिए इसका जो एंगल है वो बन रहा है यहां पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर हम लोग इसे दूर होते जाएं तो जो एंगल है वो कम होता जाएगा, जितना ज्यादा दूर जाएंगे इससे हम एंगल इसका कम होता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम इसे काफी दूर पहुंच गए, अब यहां पर एंगल रहेगा 1 डिग्री का, तो अब देखिए 60 डिग्री यहां पर था, 30 हुआ, और कम होते होते 1 डिग्री हो गया और हम काफी दूर आ गए। क्या कहना चाहता हूं यहां से, जितना एंगल शॉर्ट होता जाएगा उतना ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? देखिए अब इसी बात का हम लोग यूज करते हैं पारसेक निकालने में। हम बता लेते हैं सन, और यहां मान लेते हैं हम लोग अर्थ। सन और अर्थ के बीच में एक गैप है 1 EU, 1 astronomical unit। उसके बाद देखिए अगर हम इससे दूर जाए तो एंगल मान लीजिए बन गया 1 डिग्री का। अब आप समझ जाइए कि हम कितना दूर गए होंगे कि एंगल 1 डिग्री बना, क्योंकि यहां पर कहीं एंगल 70 डिग्री होगा, 60, 50, दूर जाते जा रहे हैं एंगल कम होता जा रहा है, 1 डिग्री में पहुंच गए। अच्छा 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। अब और दूर जाओ, इतना दूर जाओ कि जो एंगल है वो बन जाए 60 सेकंड का, या फिर आप बोल दो 1 मिनट का एंगल बन गया। 1 मिनट का एंगल देखो यहां था 60 मिनट, इतना दूर गए कि मिनट को भी शॉर्ट कर दिया और 1 मिनट पे पहुंच गए। अब 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अब और ज्यादा दूर जाओ, इतना दूर जाओ कि ये जो एंगल यहां पर बनाएगा सन के साथ ये डिस्टेंस, ये हो जाए यहां पर 1 सेकंड का। सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पारसेक। क्लियर? अब फाइंड कैसे करना है इसको?
अब वो समझिए, उसी बात के ऊपर आओ। जैसे एक सर्कल में होता है एक एंगल, एक आर्क और एक रेडियस, तो हमारे पास फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस का, और हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। सो आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। ध्यान से देखो, ये लगभग एक आर्क ही बन रही है यहां पे, ये एक आर्क ही है, लेकिन इतना दूर आ गए कि ये आर्क हमको लग रही है स्ट्रेट लाइन। तो ये आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है एल अपॉन थीटा, वो हम यहां यूज करते हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये आर हो गया, ये एंगल हो गया, और ये यहां पर होगी हमारे पास एक आर। सो आर इज इक्वल टू एल इज वन ए यू अपॉन थीटा इज वन सेकेंड। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमको आंसर मिलता है 3.1 इंटू 10 इज टू पावर 16 मीटर। सो दैट इज 1 पार्सेक। सो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 इज टू पावर 16 मीटर। क्लियर?